हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 10th फिजिक्स लेक्चर 5, साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। आज वो हम पढ़ने वाले बच्चों चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र और आवर्धन क्षमता। रोज की तरह, प्रत्येक दिन की तरह आज भी आप लोगों से जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन ले लीजिए और जो मैं बोलता हूँ, जो मैं लिखता हूँ उसको हिंदी में नोट करते जाइए, ठीक है? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों लैंग्वेज में एक साथ आदमी मतलब क्या करे, एक साथ आदमी मैनेज कर पाए, ठीक है? और आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहले चीज, आपको यदि मिरर फॉर्मूला या आपको एक बात बताइए, अच्छा ये साइन कन्वेंशन पढ़ने का मतलब क्या है? साइन कन्वेंशन पढ़ने का मतलब क्या है? साइन कन्वेंशन का मतलब यही है बेटा कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम क्या करते हैं, स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज फॉर्म होता है, तो इमेज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कैसा होगा, मतलब इमेज के बारे में हमें जानकारी मतलब नॉलेज फाइंड करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। अब बेटा पहले चीज एक चीज समझेंगे। सबसे पहले तो अपने पास बहुत सारे हैं, हमें यहाँ पे बेटा आपको समझाने के लिए हम लोग, ये कौन सा मिरर है आपको मैंने बताया था, याद करिए कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर ले लिया। क्या ले लिया? कॉनकेव मिरर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? और तल दर्पण। क्या बोलेंगे? ये कौन सा दर्पण है? ये दर्पण जो है कॉनकेव मिरर है। याद होगा आप लोगों को, मैंने बहुत अच्छे से बताया था ये कि कौन सा दर्पण है। ये हो गया अवतल दर्पण। अब बताइए ये अवतल दर्पण हो गया। अच्छा बताइए इसका कहीं पे क्या होगा? प्रिंसिपल कहां पे होगा? बीच में होगा। यहां पे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, ले लिया ना बेटा। ये मिरर है कोई एमएन, इसका हमने नेम दे दिया ये एमएन, कोई मिरर हो गया। अब एक चीज देखना, हमेशा कभी भी याद रखना है अपने को, ठीक है ना? ऑलवेज अपने को ये चीज रिमेंबर रखना है बेटा, ये चीज रिमेंबर रखना है। देखो क्या बोलता है पहला रूल, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार पहला क्या बोलता है? द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को ऑलवेज कहां प्लेस करना है? लेफ्ट टू द मिरर। देखो ये मिरर का क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है, परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है, ये अपने पास क्या होता है, इसको हम लोग रंगे हुए होते हैं, ठीक है ना? ये पेंटिंग सरफेस होता है, ठीक है ना? पेंट करते हैं इसको, ठीक है? या पॉलिश सरफेस बोल सकते हो, ये पॉलिश सरफेस है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है। तो ऑब्जेक्ट को ऑलवेज लेफ्ट रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, मिरर से लेफ्ट में रखना चाहिए। ये पहला रूल क्या बोलता है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ठीक है ना? दैट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया, द क्या हो जाएगा बताओ, द लाइट ऑलवेज फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, मतलब लाइट जो होना चाहिए, ये जो लाइट रे होनी चाहिए, ये जैसे ये लाइट रे है बेटा, ठीक है ना, ये लाइट रे है ना, तो ये क्या बताओ, ये ऑलवेज कौन चाहिए, लेफ्ट टू राइट जानी चाहिए। कहां से कहां, ऑलवेज ये याद रखना है कि जो लाइट रे फॉल होती है, जो प्रकाश किरणें हम डालते हैं दर्पण पर, वो लेफ्ट टू राइट चलनी चाहिए, लेफ्ट से राइट की ओर जानी चाहिए। ये चीज ध्यान देना है, पहला रूल सबसे इंपोर्टेंट है। कभी भी लाइट रे राइट टू लेफ्ट नहीं आएगा, हमेशा ये लेफ्ट टू राइट जाएगा। कभी भी पूरे डायग्राम आपने कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्म होते हुए देखा, कॉन्वेक्स से देखा, ये ऑलवेज क्या हो गया, ये ऑलवेज क्या होता है, राइट टू लेफ्ट आता है, कभी भी लेफ्ट टू राइट नहीं जाता है। इसके बाद देखिए बेटा, इसको आप क्या बोलोगे बताओ, इंसिडेंट लाइट रे ना, या ऐसे बोल सकते हो, डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ या इंसिडेंट रे ऑफ, कुछ भी बोल सकते हो, डायरेक्शन ऑफ लाइट बोल दो। डायरेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की दिशा हमेशा इधर होती है, ठीक है ना? दूसरा चीज आप समझ गए, यहाँ पे जो होता है डैश होता है, यहाँ पे ग्राफ आप लोग टेंथ में पढ़े हो, ये एक्स हो गया, इधर वाई होता है, इधर वाई डैश हो गया। तो देखो हम लोग जब भी ना क्या करते हैं बेटा, हम लोग ये पोल से जब भी क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड का मतलब अलोंग द निगेटिव एक्सिस। देखो पहला, दूसरा रूल देखो क्या बोल रहे हो, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल,
जितना भी डिस्टेंस मेजर करोगे, चाहे वो इमेज हो, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, चाहे इमेज का डिस्टेंस हो, कोई भी डिस्टेंस होगा, हमेशा उसे पोल से मेजर करना है। हमेशा उसको कोई भी दर्पण के कोई भी दूरी जो होगी, हमेशा उसको ध्रुव से मापना है। तीसरा रूल क्या है? ऑल डिस्टेंस मेजर टू द लाइट, ऑल डिस्टेंस मेजर टू द लाइट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन की जब हम राइट जाएंगे, देखो ओरिजिन का मतलब यहां पे पोल हो गया, राइट ऑफ द ओरिजिन है राइट ऑफ द पोल, ठीक है ना। क्या लोगे? ऑल डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द पोल, मतलब जब ध्रुव के हम लोग कहां जाएंगे, राइट हैंड जाएंगे, राइट हैंड, ठीक है ना, ठीक है ना, राइट जाएंगे, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये हमेशा क्या जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस मतलब एक्सिस की दिशा किधर है, एक्सिस इधर होता है ना, तो ये हमेशा बेटा क्या लोगे, पॉजिटिव, एंड टेक इन पॉजिटिव, ठीक है। द डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, मतलब जब ओरिजिन से हम लेफ्ट जाते हैं तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं, डिस्टेंस क्या लेते हैं बताओ, ये डिस्टेंस लेते हैं हम लोग ऑलवेज क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, जब क्या करते हैं, द डिस्टेंस मेजर टू लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन या पोल बोलोगे, पोल से जब हम लोग लेफ्ट चलते हैं ना, ठीक है ना, अलोंग द माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस है, जब इधर चलते हैं तो क्या होता है, हमारा ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, निगेटिव होता है। फिर देखो फोर्थ रूल क्या बोलता है, द डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जब जाओगे आप तो आपको क्या मिलेगा बेटा बताओ जल्दी, प्रिंसिपल एक्सिस के जब हम अबव जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जाने पर हमें मिलेगा ये, मिलेगा ये वाला पार्ट मिलेगा, ये अबव जा रहा है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अबव जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, हाई टूवर्ड्स हाइट अपवर्ड, लेकिन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब क्या करेंगे हम अपवर्ड जाएंगे तो हाई को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और सिमिलरली क्या होगा, हाइट, हाइट आउट डाउनवर्ड्स क्या करोगे, निगेटिव। मतलब इसमें इतना ही चीज समझना है, बहुत इजी है। जब भी हम किसी मिरर से क्या करेंगे, कोई भी डिस्टेंस मेजर मिरर में ऑलवेज पोल से मेजर करेंगे, लाइट रे होंगी जो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट जाएंगी। जब हम लोग क्या करेंगे, पोल के क्या करेंगे, अलोंग द एक्स एक्सिस या राइट क्या करेंगे, मूव करेंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा। जब हम लोग पोल के क्या करेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे तो डिस्टेंस क्या आएगा, निगेटिव आएगा, या अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। जब हम लोग क्या करेंगे, पोल के हम लोग क्या करेंगे, हाइट अपवर्ड, मतलब क्या करेंगे, पोल के प्रिंसिपल एक्सिस के जब अपवर्ड हम हाइट को लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड हाइट को लेंगे तो निगेटिव आएगा। ये बेटा इतना चीज अपने को जानना पड़ेगा, साइन कॉन्वेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी मिरर में हमें कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे दिया होगा और इसका इमेज फॉर्म करना पड़ता है तो कहीं पे वो पॉजिटिव आता है, कहीं पे निगेटिव आता है, तो अपने को ये निगेटिव पॉजिटिव साइन को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए ये साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी को जानना बहुत जरूरी है। यदि चिन्ह परिपाटी आप नहीं जान पाओगे तो आपको प्रॉब्लम ऑलवेज फॉर्म, मतलब प्रॉब्लम ऑलवेज आपके पास बना रहे। तो अपने पास बताओ कितने रूल्स होते हैं साइन कन्वेंशन के, चिन्ह परिपाटी के। पहला रूल क्या होता है, ऑलवेज लाइट रे क्या होगी, लेफ्ट टू राइट मूव करेगी, कहां से जाएगी, लेफ्ट टू राइट मूव करेगी। दूसरा रूल क्या होता है, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल, सभी दूरियों को क्या करते हैं, दर्पण के सभी दूरियों को ध्रुव से मापते हैं। थर्ड रूल क्या होता है, जब हम पोल के क्या करते हैं, राइट जाते हैं तो डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, और जब पोल के क्या आते हैं, लेफ्ट आते हैं तो डिस्टेंस को निगेटिव लेते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, जब ध्रुव के हम लोग क्या करते हैं, ध्रुव से दाहिने ओर जाते हैं तो दूरी को पॉजिटिव लेते हैं, जब ध्रुव से बाएं ओर आते हैं तो दूरी को निगेटिव लेते हैं। फोर्थ रूल क्या बोलता है, अबव द हाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो हाइट होता है
पॉजिटिव होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो डाउनवर्ड हाइट होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। मुख अक्ष के ऊपर की जो दूरी होती है उसे धनात्मक लेते हैं, और मुख अक्ष के जो नीचे की दूरी होती है उसे ऋणात्मक लेते हैं। बेटा कुल मिला के मैं बताऊं आपको, जैसे आप लोगों ने ग्राफ खींचना सीखा था ना मैथ में, लीनियर इक्वेशन में, रेखीय समीकरण में, आपने जैसे ग्राफ खींचा है ना, तो ग्राफ खींचते वक्त आपको याद होगा अपने पास ये लाइन बनता है, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, सेम यहाँ पे ही है, और ये पोल हो गया, मान लो ये दर्पण का पोल हो गया, ध्रुव हो गया। तो इधर के डिस्टेंस को राइट हैंड के डिस्टेंस को पॉजिटिव लोगे, लेफ्ट हैंड के डिस्टेंस को नेगेटिव लोगे, अपवर्ड हाइट को पॉजिटिव लोगे, डाउनवर्ड हाइट को नेगेटिव लोगे। मतलब आपने जो ग्राफ खींचा था तो ग्राफ ऐसे था, एक्स अक्ष की ओर जाओगे तो धनात्मक लोगे, एक्स डैश की ओर आओगे तो दूरी को ऋणात्मक लोगे, वाई की ओर जाओगे तो धनात्मक लोगे, वाई डैश की ओर आओगे तो अगेन दूरी को ऋणात्मक लोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। और इसके बाद आते हैं बेटा हम लोग तो मिरर फॉर्मूला के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं, और आप बताइएगा कि मिरर फॉर्मूला मतलब आपको कैसा रिक्वायरमेंट है, प्रूफ करना है कि ऐसे ही है, ठीक है ना। अभी तो आपके 10 एनसीईआरटी में मिरर फॉर्मूला को प्रूफ नहीं किया गया। देखिए बेटा मैंने अभी आपको बताया ना कि जो 10th कोर्स है 10th में आपको मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र को जो फॉर्मूला डिराइव किया गया, फॉर्मूला को सिद्ध किया गया, प्रूफ किया गया, प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। ये डिडक्टेड कोर्स क्या है, रिड्यूस सिलेबस है, रिड्यूस हो चुका है। यदि आपको लगता है कि अगेन मुझे इसको प्रूफ पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर मुझे ये पढ़ा दीजिए, मैं उसको प्रूफ भी करवा दूंगा। तो अभी यहाँ पे प्रूफ नहीं करना, ठीक है ना। और ये मिरर फॉर्मूला क्यों बेटा जरूरी है कि मान लो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। भाई ऑब्जेक्ट को कहीं पे जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते थे तो इमेज कहाँ फॉर्म होता था, फोकस पे। तो वैसे ये चीजें हमें जानने के लिए ये फॉर्मूला ऑब्टेन किया गया था, फॉर्मूला बनाया गया था कि कहाँ पे फोकल लेंथ होगा, कहाँ पे उसका क्या होगा, कहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट का लेंथ होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, मतलब इसी में रिलेशन बताया गया। तो क्या बोलोगे, द रिलेशन बिटवीन स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना, द रिलेशन बिटवीन स्फेरिकल मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड इमेज डिस्टेंस भी इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। तो आप क्या बोलोगे बताओ, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी, क्या बोलोगे इसको हिंदी में, क्या बोलोगे, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब के दूरी में संबंध बतलाने वाले समीकरण को या सूत्र को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। हिंदी में क्या बोलोगे, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध बतलाने वाले संबंध बताने वाले सूत्र को क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं, ठीक है ना। ये चीजें बहुत जरूरी है जानना। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1/ इमेज डिस्टेंस। मतलब क्या होता है, 1/ फोकस दूरी प्लस 1/ वस्तु की दूरी अपॉन 1/ क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की, क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी। इसे 1/ f इज इक्वल टू 1/ u प्लस 1/ v, क्या होता है दर्पण फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, 1/ f इज इक्वल टू 1/ u प्लस 1/ v। जानते हो चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों मिरर के लिए क्या होता है, बोथ मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला सेम होता है। मतलब मिरर फॉर्मूला सेम फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। मतलब अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए दर्पण सूत्र एक ही होता है, मतलब इतना ही होता है, 1/ f इज इक्वल टू 1/ v प्लस 1/ u होता है, ठीक है ना। आज मैं थोड़ा सा बेटा एक चीज में आपको एक कंक्लूजन है, अपने को यह सोच रहा हूं मैं कि आपको समझा दूं कि जब मान लो कॉनकेव मिरर हो और रियल के कॉनकेव मिरर में रियल और क्या होता है वर्चुअल इमेज दोनों बनता है, वास्तविक और काल्पनिक इमेज जब दोनों बनता है, और दर्पण से वास्तविक और काल्पनिक इमेज दोनों बनता है, और आप जानते हो कॉन्वेक्स मिरर से केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, केवल वर्चुअल इमेज बनता है। आपको मैंने ये भी समझाया था कि जितने भी रियल इमेज होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं और वर्चुअल इमेज सीधे होते हैं। जो वर्चुअल इमेज होते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब सीधे होते हैं, या वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, वर्चुअल इमेज इरेक्टेड होते हैं। ये चीज आप लोगों को बताया गया था। और बेटा आज एक चीज और याद रखना, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ या रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन बिटवीन,
आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन कोपलन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ को क्या बोलते हो आप लोग, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल एफ। तो ये देखो ये जो आर इक्वल टू होता है ना, ये टू एफ होता है, कितना होता है मैंने बताया था, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ के टू टाइम्स होता है। इट इज क्लियर दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टू टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलोगे, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। कितना होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, आर इक्वल टू टू एफ होता है। मतलब जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी की दुगुनी होती है। यहाँ पे क्या लिखोगे, अतः वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगुनी होती है। यहाँ से कोई एफ बराबर पूछेगा तो क्या बोलोगे, एफ बराबर ये टू अपॉन में आ जाएगा, आर बाई टू बोलोगे। मतलब इसको वर्डिंग में कैसे लिखोगे, इट इज क्लियर दैट, या हेंस इट इज क्लियर दैट स्पेरिकल मिरर फोकल लेंथ इज, स्पेरिकल मिरर फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस कर्वेचर, हाफ ऑफ रेडियस कर्वेचर। हिंदी में क्या बोलोगे, गोली दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। क्या बोलोगे, हेंस फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मेरे को लगता है कि आप भी मेरी बातों को समझ गए होंगे। आज आपको मुझे एक पॉइंट समझाना, मैंने अभी समझाना कि कॉनकेव मिरर से जब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा तो आपको ये बताना कि रियल हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है। तो अभी समझा दे रहा हूँ कि कब ऑब्जेक्ट निगेटिव होगा, इमेज पॉजिटिव, कौन सा मतलब ऑब्जेक्ट जो भी होगा, सभी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं कब निगेटिव और कब पॉजिटिव होते हैं ये बता देंगे। और कॉन्वेक्स मिरर से तो केवल आप जानते होंगे कि वर्चुअल प्रतिबिंब बनता है, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण से केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तु प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। तो अभी मैं आता हूं और मैं जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है मिरर से इमेज फॉर्म होता है, कहां पे रहता है। तो और आइए देखते हैं कैसे इमेज फॉर्म होता है। देखो बेटा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा पहले सोच रहा हूं कि कंफर्म करवा दूं, जैसे अभी आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा ना, तो मिरर फॉर्मूला में आप लोगों ने क्या लिखा था, 1/f = 1/3 या 1/u + 1/3, इसी को पहले लिख लो, 1/u + b कर दो या 1/b + u कर दो, से कोई डिफरेंट नहीं है। तो पहले एक बात आपको मैं सोच रहा हूँ बेटा बता दूं कि मान लो ये अपना कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, आप लोग जानते हो। अब इससे हम आपको थोड़ा सा समझा देना चाहते हैं क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लो है, ये मिरर का नाम हमने MN दे दिया, ये कोई दर्पण MN है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग जानते हो कहां पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं कहां पे, मान लो ये कहीं यहां से ऐसे निकलेगा तो ये जो हो जाएगा फोकस हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोकस हो जाएगा। और मान लो यहां से हम लोग इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहा है कि नहीं। तो देखो यहां से ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो यहां से जो ये डिस्टेंस होता है, यहां से जो ये डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके डिस्टेंस को यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं यू। और जो इमेज फॉर्म हो रहा है बेटा यहाँ पे देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं बी। और यहां से ये फोकस से पोल के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं फोकल लेंथ। तो मिरर फॉर्मूला क्या बताता है, मिरर फॉर्मूला यही बता रहा है, देख रहे हो ना, ये क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है ये ऑब्जेक्ट, देख रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, मिरर के क्या है लेफ्ट हैंड है, और जब ये होता है तो ये अपना राइट, मतलब बोल सकते हो रियल इमेज बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर है, समझ रहे हो ना, उल्टा बन रहा है, समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ, उल्टा बन रहा है। तो ये बताओ यदि आप इसका नाम हम लोग समझते हैं ए दे दें, इसको ऑब्जेक्ट को बी दे दें, ठीक है ना, ए और बी दे दिया, तो ये बताओ क्या बन गया, ये बी डैश हो गया और ये क्या हो गया, ये ए डैश हो गया। तो आप देख ही रहे होगे कि ये उल्टा हो जाता है, ये भी उल्टा हो जाता है। देखो
ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है। तो आप देख रहे हो यहां से पोल से ये जहां पे ऑब्जेक्ट होता है इसको यू बोलते हैं, जहां पे इमेज फॉर्म होता है इसको भी बोलते हैं। अब फोकस से इसके डिस्टेंस को स्मॉल एफ बोलते हैं, ये फोकस है ना, इसके डिस्टेंस को फोकस दूरी बोलते हैं। वस्तु से दर्पण के ध्रुव की दूरी को वस्तु की दूरी बोलते हैं, प्रतिबिंब से दर्पण के ध्रुव की दूरी को प्रतिबिंब बोलते हैं। अब देखो बेटा इसको हम लेंथ है, ये हाइट ऑफ इमेज है ना, हाइट ऑफ इमेज है। हाइट ऑफ इमेज को आप लोग जानते हो क्या बोलते हैं? यदि आप जानते हो तो बताइए कमेंट करके, और नहीं जानते हो तो बताइए। हाइट ऑफ इमेज को हम लोग ओ बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज को ओ बोलते हैं। हाइट ऑफ अरे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ओ बोलते हैं और हाइट ऑफ इमेज को आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज को आई बोलते हैं। तो ये चीजों को डायग्राम को हमें समझना पड़ेगा। अच्छा बताओ यहाँ पे रियल इमेज बन रहा है ना, और आप जानते हो कॉनकेव मिरर से अवतल दर्पण से वर्चुअल इमेज भी बनता है। तो ये चीज ध्यान देना बेटा, फॉर कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण के लिए जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, जब रियल इमेज बनेगा, जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया है कि आपको ये इजी लगने लगे। डिस्टेंस ऑफ इमेज मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी, इसको हिंदी में क्या लिखोगे? वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। जैसे ये वस्तु है ना, तो पोल से कितनी दूरी पर है, वस्तु की दूरी हमेशा देखो इधर है ना, पोल से जो लेफ्ट होता है उसको निगेटिव लेते हैं, तो वस्तु की दूरी को निगेटिव लोगे। लेकिन जब क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तब भी ये निगेटिव आएगा। आपको याद होगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो इधर इरेक्टेड होगा, सीधा होगा, बट वस्तु इधर ही कहीं से प्लेस होती है, ठीक है ना। फिर क्या बोलोगे? डिस्टेंस ऑफ इमेज मतलब इमेज की दूरी। देखो यहाँ पे इमेज यहां बन रहा है ना, तो अगेन ये लेफ्ट आने पे बन रहा है, तो इमेज की दूरी जो हो जाएगी वो क्या हो गया? निगेटिव हो जाएगी। लेकिन जब हमारा इमेज कहां बनता है, आपको याद होगा कि जब क्या होता है, इमेजिनरी इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, तो इमेज क्या बनता है? दर्पण के आउटसाइड बनता है, बाहर की ओर बनता है। तो इधर का डिस्टेंस आप क्या करोगे? इधर देखो राइट हैंड डिस्टेंस है ना, तो इसको पॉजिटिव लोगे, ठीक है ना। फोकल लेंथ, देखो बेटा फोकल लेंथ का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हम रखेंगे तो इधर ही रखेंगे, ठीक है ना। तो मतलब एक चीज आप समझ गए होंगे कि क्या हो जाएगा, कोई भी कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होता है? निगेटिव होता है। बताओ जैसे फोकल लेंथ है बेटा ये, तो बताओ ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, लेफ्ट है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट की दूरी को निगेटिव लेते हैं, तो आप समझ गए दोनों निगेटिव हो जाएगा। अब बताओ जब रियल इमेज बनेगा, तो आप देख रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जब भी इमेज, देखो एक चीज समझना, ये जब भी इमेज जाता है तो परपेंडिकुलर जाता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, उसी को पासिंग करता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? इधर है ना, तो ये आर हो गया, तो माइनस आर हो गया। लेकिन जब निगेटिव बनेगा इमेज तो ये माइनस आर कहीं क्या हो जाएगा, ये माइनस आर मतलब ये आर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। फिर अपने क्या लिखना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो ये रियल इमेज बन रहा है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ओ को वहां पे पॉजिटिव लोगे। सेम जब आपको काल्पनिक इमेज बनेगा तब भी ओ पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। फिर क्या है, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज देखो इमेज क्या है, डाउनवर्ड है ना, तो आप इमेज जब क्या हो जाएगा, रियल इमेज बनेगा वास्तविक, तो ये निगेटिव होगा, और जब वर्चुअल बनेगा तो आपको पता होगा वर्चुअल कहीं इधर बनता है, इसीलिए ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। लगता है कि आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब इसके बाद आइए बेटा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स, इसका मतलब हिंदी में क्या हो गया, उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। क्या होगा, वर्चुअल इमेज, केवल उत्तल दर्पण में वर्चुअल इमेज बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक को बनता नहीं है बेटा। तो आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा वो निगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होता है, मिरर के लेफ्ट ही होता है, तो इसीलिए निगेटिव हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ऑलवेज सभी का जो वस्तु की दूरी होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निगेटिव होता है, ठीक है ना। अच्छा बताओ इमेज क्या होता है, इमेज ऑलवेज जितने भी का मतलब इमेजिनरी इमेज होते हैं सब इसी साइड फॉर्म होते हैं, इमेजिनरी इमेज ऑलवेज राइट हैंड में फॉर्म होते हैं, इसीलिए इसको पॉजिटिव लोगे। अच्छा बताओ फोकल लेंथ भी क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कहीं इधर होता है, आपको पता होगा, तो इसको भी पॉजिटिव लोगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसे ऊपर ही होता है ना, यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट इस साइड होता है कहीं, यहाँ पे ये भी लोग और इमेज भी अपना पॉजिटिव होता है, मतलब ओ भी पॉजिटिव होता है, आई भी पॉजिटिव होता है, और आर भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं बनता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि
कि आप लोग मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके बताइए, और हम लोग काफी अच्छे से कोशिश कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपको मैग्निफिकेशन पावर बताएंगे। देखिए स्टूडेंट, आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमें बताइए, कोशिश किया गया कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम आएंगे 6 लेक्चर अभी इसके बाद जस्ट आएंगे, वीडियो बहुत बड़ा ना बने इसलिए हम लोग छोटी वीडियो बना रहे हैं। और 6 लेक्चर में आएंगे तो हम लोग मैग्निफिकेशन पावर पढ़ेंगे। अभी इसमें तो मैग्निफिकेशन पावर नहीं होता है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो मैग्निफिकेशन पावर के बारे में हम जानेंगे और एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स है उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही अपना फ्रेम बनाए रखिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आप डिसलाइक भी करिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊँ, कितना भी मेहनत करो, वो डिसलाइक ही करते हैं। क्योंकि आप लोग देखिए हर वीडियो में दो चार ऐसे नमूने हैं ही हैं, या तो हो सकता है कि वो मेरे जो बहुत चाहने वाले हैं, क्योंकि डिसलाइक मैक्सिमम वही लोग करते हैं जो हमें और ज्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं, और ज्यादा विकसित करना चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि चाहे मैं कितना भी अच्छा वीडियो बना दूं, वो डिसलाइक ही करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं अभी और ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करूं। तो मैं उनके अनुसार अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा हूं। ये वीडियो आपको ऑलवेज अच्छे से अच्छे तरीके से बनानी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।